नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा पे आज हम हमारे सहयोगी सचिन हैं और सचिन के साथ हम लोग आज तमाम अखबारों की बड़ी सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। नज़र इस बात पर भी डालेंगे कि बिहार झारखंड की अहम खबरें कौन कौन सी रही। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से, जिसको लगभग तमाम अखबारों ने सुर्खियाँ ली। आप देखें कि किस तरीके से जितने भी अखबार हैं सभी अखबारों ने भारत बंद को, किसान आंदोलन को सुर्खियां बनाया है और भारत बंद के लिए जो लामबंदी और सरकार अड़ी है इसको लेकर काफी जो है देश में भी सियासत जो है गर्म है। नए कृषि कानून के खिलाफ सरकार को घेरने के लिए किसानों के साथ समूचा विपक्ष लामबंद हो गया, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन को लेकर भी आरजेडी ने बहुत बड़ा बिल्कुल तो किसान आंदोलन को लेकर भी आरजेडी ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट के अगेंस्ट जो है तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर भी हुआ। लेकिन अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर इन दिनों पूरे देश भर और उसके आसपास से जो सटे हुए प्रदेश हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से जो किसान है वो पहुंचने लगे हैं, तो तमाम अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर है। और कल 8 तारीख को भारत बंद रहेगा, इसको लेकर जो गोलबंदी है वो देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार एक तरफ अड़िग है तो किसान आंदोलन जो है आज भी सुर्खियां बनी हुई है। इसके दूसरी खबर की बात करते हैं गौतम, कि शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं अब 200 लोग। बिल्कुल, और लगन का मौका है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपने ही फैसले से बार बार जो है यू टर्न ले रही है। पहले उन्होंने कहा कि 100 से कम लोग, 150 के अप्रॉक्स में, फिर 150 हो गए। अब अच्छी खबर यह है कि लगन का समय और शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। इसमें जो राहत की बात है वो हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पहले 100 और फिर संशोधित कर 150 किया था। मियाद खत्म होने के बाद अब केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन ही प्रभावी होगी, ये बड़ी बात है। तो एक अच्छी खबर है, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 नवंबर को नई गाइडलाइन जारी की थी, इसके तहत शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। यानी कि अब जिनके घर में बैंड बाजा बाराती और लगन के समय शादी के समय जिन लोगों ने कार्ड बांट दिए थे, अब उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 200 लोग अब आप अपने परिवार के लोग, अपने आसपास के लोगों को शामिल कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि लगन का समय और लगन के समय में घर में शहनाई बजे और आदमी ना हो तो शायद सूनापन लगता ही है। इसके साथ ही कई अखबार के पन्नों में अगर आप देखें तो इसको सुर्खियां बनाई गई थी शादी समारोह की। इसके साथ ही एक बड़ी खबर जिसको टॉप लीड स्टोरी कह सकते हैं वो है स्वरोजगार दिलाने और पलायन रोकने के लिए गांव पर फोकस करेगा संघ। आपको बता दें कि मोहन भागवत इस वक्त बिहार में है और राजधानी पटना में है। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी गतिविधियों को गांव पर फोकस करेगी, यानी कि अब गांव तक आरएसएस पहुंचेगा। हालांकि पहले से आरएसएस गांव तक है, इसमें कहीं को दो राय नहीं है, और लेकिन कार्यकारी मंडल की बैठक संपन्न हो गई है, शामिल हुए जिसमें मोहन भागवत खुद शामिल हुए और सभागार में लोकार्पण की तस्वीर भी हम आपको दिखा दें कि लोकार्पण की तस्वीर भी जो है लगाई गई है। हालांकि तस्वीर छोटी है लेकिन मायने रखता है। और कुछ अखबारों ने जो है मोहन भागवत के मंथन पर चर्चा की है। मंथन देखिए सचिन, जिस तरह से पटना में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के उत्तर पूर्व क्षेत्र की बैठक संपन्न हो गई है, स्वावलंबन के आधार पर सेवा कार्य को आगे बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। यानी कि अब गांव गांव तक रोजगार पहुंचाने के लिए रोजगार का मुद्दा तो तेजस्वी यादव ने जैसे उठाया था, वैसे बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट की थी, हालांकि ये आरएसएस अपने किस तरीके से रोजगार बढ़ाते हैं ये तो देखना होगा, लेकिन जो खास बातें हैं उसमें ये है कि मोहन भागवत ने कहा, निर्णय लिया है कि कोरोना के चलते बदले हुए परिवेश में खुले मैदान में शाखा लगाते समय कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से ख्याल रखी जाएगी। तो कह सकते हैं कि इस वक्त आज की जो सुर्खियां है वो मोहन भागवत से जुड़ी हुई है। तमाम अखबारों ने इसको पहले पन्ने पर लिया है। कुछ खबरें और हम आपको बता दें कि अखबारों की जो सुर्खियां है, आप देखिए किस तरह से एक स्पोर्ट्स की खबरें सचिन, जो हार्दिक पांड्या के विजयी छक्के से भारत के नाम हुई सीरीज। ये देखिए हार्दिक पांड्या
के जो विजयी छक्के से, तो इसको टॉप स्टोरी आज स्पोर्ट्स से अलग भारत ने लगातार पांचवी T20 सीरीज जीती। हाँ, और ये बड़ी बात है कि भारत ने जो है लगातार 7 सीरीज से अपरेज बिल्कुल अपराजय है भारत। ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा। आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज 3-0 से भारत जीता, दक्षिण अफ्रीका 1-1 से सीरीज ड्रॉ रही थी, बांग्लादेश में 2-1 से भारत जीता था, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, लगातार भारत जो है अपनी T20 पर कब्जा जमाए हुए, लगातार 9वीं जीत, एक बड़ी बात है कि लगातार 9वीं जीत भारत ने जीता है और T20 मैच जीतने में सफल रहा है। हालांकि सबसे अधिक लगातार 12 मैच अफगानिस्तान की टीम ने जीती, ये भी एक जानकारी के लिए बता रहे कि भारत भले ही लगातार 9वीं जीत रख रहा हो लेकिन अफगानिस्तान ने 12 जीत का अपना एक रिकॉर्ड बनाया था। और शिखर धवन और विराट कोहली के बाद हार्दिक पांडे की धमाकेदार पारी की बदौलत भारत ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। तो अखबारों की सुर्खियां में आज स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया और अच्छी बात है, जब भारत जीतता है तो एक अलग एनर्जी आती है, क्रिकेट का जो जुनून है वो है, तो इसलिए पाठकों के लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि पहले पन्ने पर स्पोर्ट्स को शामिल किया जाए। इसके साथ ही जो इनसाइड स्टोरीज जो है कई, अगर हम बिहार झारखंड की बात करें तो देखिए आज के पन्नों में कई ऐसी जो खबरें हैं बिहार झारखंड की उसको शामिल किया गया है। इसके जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कल बाबा साहब अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर एक गौतम, हम लोग कोरोना के बाद भी कर सकते हैं, सीएम बिल्कुल सीरम फाइजर ने कोरोना टीके के लिए मंजूरी मांगी, ये बड़ी बात है। कल मैंने कहा था कि जो है पीएम मोदी ने कहा था कि जल्द ही जो है वो कोरोना का वैक्सीन वो है आ जाएगा और उम्मीद है कि दोनों कंपनियों ने कोरोना निरोधी टीके की आपात इस्तेमाल की अनुमति मांगी, देश में जांच के बाद शर्तों के साथ दी जा सकती है टीके की बिक्री की इजाजत, यानी कि अब टीके की बिक्री तक की इजाजत मिल सकती है। 4 करोड़ खुराक तैयार कर दिए गए हैं, शर्त के साथ इजाजत भी संभव है। जैसे उसमें जो टॉप स्टोरी की मैं आपको बता दूं कि उसमें जो अहम बातें हैं कि सीरम की वैक्सीन कोविशील्ड के 4 करोड़ खुराक तैयार है, हरी झंडी मिलते ही शुरू हो जाएगा इस्तेमाल। कोविशील्ड को भारत में तीसरे चरण का ट्रायल, अन्य देशों में इस टीके के तीसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। अवसर, सीरम की यह वैक्सीन दुनिया के 92 देशों तक पहुंचेगी, न सिर्फ भारत बल्कि भारत के अलावा 92 देशों तक कोरोना उन्मूलन के खिलाफ ये वैक्सीन कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शुरुआत अच्छी है, वैक्सीन का इंतजार था लोगों को। तो तमाम बड़ी खबरों में इसको भी शामिल किया गया है। बिहार की बात करें तो किसान आंदोलन में बिहार कांग्रेस भी कूदेगी, कांग्रेस की बात कर रहे थे सचिन, क्योंकि देखिए तारिक अनवर कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पहले NCP में थे और अब किसान आंदोलन में बिहार कांग्रेस भी कूदेगी, मतलब किसान आंदोलन को लेकर बिहार कांग्रेस ने अपनी बात रखी है। इसके साथ ही सुशील मोदी कृषि कानूनों में संशोधन की पेशकश ठुकराना दुर्भाग्यपूर्ण, ये ऐसा कहा है सुशील कुमार मोदी ने, उसको भी खबर के दूसरे पन्ने पर ली गई है। इसके साथ ही तेजस्वी की गिरफ्तारी होने की मंशा भी पूरी होगी, ये संजय मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है। FIR पर बोले तेजस्वी, दम है तो गिरफ्तार करे सरकार, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। बिहार की राजनीति में अगर अहम चीजें हैं तो पिछले 2 दिनों में देखिए तो किसान आंदोलन के साथ साथ जिस तरह से तेजस्वी और सरकार के बीच जो गांधी मूर्ति पर बैठने को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद परमिशन नहीं दी गई, FIR किया गया, तो ये जो कानूनी प्रक्रिया है उससे तेजस्वी यादव घबराने वाले नहीं है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि हालांकि कल RJD एक ट्वीट भी किया था जिसमें वो BJP का भी दिखाया था, जिसमें वो एक हॉल में लोग, बहुत सारे लोग उसमें BJP एक दिवस कोई मना रही थी उसमें, तो RJD पे ही FIR क्यों? बिल्कुल, सवाल ये है कि सिर्फ RJD पे ही FIR क्यों? हालांकि जितने लोग गए थे उसके अलावा भी 200 लोगों पर जिला प्रशासन ने FIR किया है। अब जिला प्रशासन का काम है आगे वो क्या करेगी। और अन्य खबरों में देखें तो उपेंद्र कुशवाहा, सीएम से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, जदयू में विलय के
का सवाल नहीं, उन्होंने सवाल नहीं। कुछ मान लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ चर्चा तो जोर से चल रही थी भूपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल होंगे। हाँ तो इसी चर्चा के बीच में उन्होंने कहा है कि विलय का सवाल नहीं, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले बहुत कुछ शुरुआत में ही शिक्षा का सुधार ले लीजिए बहुत सारी चीजें कर रहे थे, सीएम के खिलाफ बोल रहे थे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन अब अपनी अपनी चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगता है कि अब जिस तरह से जदयू का जो आंकड़ा आया है, बिहार ने जो जनादेश दिया है उस जनादेश में अब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी अगर साथ में हो तो शायद जदयू गठबंधन से मजबूत हो सकता है। शिक्षा को लेकर भी आज एक अच्छी खबर है पटना में कि पिछले सत्र के पोशाक की राशि इस साल मार्च तक बांटी गई, शैक्षिक सत्र के 8 माह बीत गए, बच्चों को नहीं मिली पोशाक राशि। इस पर अनदेखी कर अखबार के पन्नों में सुर्खियां बनाई गई है। सरकारी स्कूल का ये हाल आलम है और इस पर अप्रैल से सितंबर तक 75% हाजिरी वालों को ही मिलेगा लाभ। पढ़ाई के 6 माह बीतने पर बच्चों को पोशाक राशि देने के नियम बनाए गए, पिछले सत्र की हाजिरी को आधार बनाया गया है। शिक्षाविदों की राय में सरकारी स्कूलों के बच्चों को सत्र आरंभ में ही अप्रैल माह में ही पोशाक के पैसे मिलने चाहिए थे, जिससे उनके गरीब अभिभावक उनके लिए ड्रेस सिलवा सके। शिक्षा विभाग को पिछले सत्र की 75% हाजिरी को नए सत्र के लिए राशि वितरण का आधार बनाना चाहिए। तो अब इंतजार है उन गरीब परिवारों को जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनके पोशाक की राशि नहीं मिली है, तो सरकार शिक्षा विभाग, हालांकि शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री जिस तरह से नए सरकार में बने और चले गए उसके बाद अशोक चौधरी को कार्यकारी शिक्षा मंत्री बनाया गया है, तो अभी तो शिक्षा मंत्री बनते ही मुझे लगता है कि सरकार इस खबर को जरूर गंभीरता से लेगी। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये बिहार की झारखंड की तमाम जो बड़ी खबरें हैं उससे हम आपको रूबरू करा रहे थे, तमाम अपडेट आपको ऐसे ही देते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों को देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन पर। नमस्कार।